बीसीए की डिग्री ही काफी नहीं है, प्लस पॉइंट आ जाता है आपके पास, एक्स्ट्रा स्किल्स होती है, तो आपके लिए जॉब लेना और इजी हो जाता है। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है कि डिग्री कंप्लीट नहीं करनी है और छोड़ देनी है, तो ये डिसीजन क्यों लिया आपने? ये वैसे बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था। पहली जॉब थी उसने आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन को मीट किया? ऑलमोस्ट नियर बाय माय एक्सपेक्टेशंस। पूछ सकता हूँ किस रेंज में है? आर्ट्स बैकग्राउंड से 12th और फिर उसके बाद बीसीए जैसे टेक डोमेन में एडमिशन और फिर बीसीए फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट। तो स्टूडेंट्स ये कोई गलत डिसीजन नहीं था, क्योंकि आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी वर्किंग प्रोफेशनल से जिन्होंने बीसीए में फाइनल ईयर में जाकर ड्रॉप आउट तो किया, लेकिन उसके बाद पिछले 5 सालों से परस्यू कर रही है एक सक्सेसफुल करियर इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग। तो लेट्स मीट आवर गेस्ट फॉर टुडे, निशा सोलंकी। वेलकम निशा। थैंक यू सो मच। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि बीसीए के बाद इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो उनके लिए आज का ये जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग होने वाला है, क्योंकि निशा ने जैसे कि बीसीए फाइनल ईयर में ड्रॉप आउट किया, उसके बाद बहुत ही अच्छा करियर कर रही हैं, बहुत ही अच्छी जॉब्स इन्होंने ग्रैब की हैं, तो ये सारी डिटेल्स आज हम इनसे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो निशा मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं, आपने भी 12th आर्ट्स में की राइट, उसके बाद फिर आप टेक डोमेन में आगे बीसीए में आगे, तो मतलब ये शिफ्ट कैसे, ये इसके पीछे क्या रीजन था? मुझे कोडिंग्स में शुरू से इंटरेस्ट था और मेरे कजिन्स वगैरह थे वो सब लोग बीटेक बैकग्राउंड से थे, कोडिंग बैकग्राउंड से थे, तो मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ही ऑलरेडी कोडिंग्स में, और साथ में रह के मैं और नॉलेज मुझे आई गई थी, और मुझे बीसीए सही प्लेटफॉर्म लगा एकदम टेक में जाने के लिए, क्योंकि मुझे आईटी फॉर्म में जाना था, तो मुझे ये बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म। हाँ ये भी बात है कि मतलब आर्ट्स के लिए हमारे पास टेक डोमेन में जाने के लिए बीसीए एक ऑप्शन रहता है। बीसीए बहुत अच्छा ऑप्शन था क्योंकि उसमें सारी लैंग्वेजेस थी जो मुझे सीखनी थी, सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, मुझे वो सभी सीखना था। तो आपने रेगुलर से बीसीए किया? कैसे? नहीं, मैंने इग्नू से किया था। ओके, इग्नू से एडमिशन लिया। तो मतलब इग्नू से जब आप कर रहे थे तो पढ़ाई में दिक्कत नहीं आई टेक चीजों को समझने में? नहीं, उनकी वीकेंड में क्लासेस होती थी, मतलब सैटरडे संडे, तो बहुत इजी था, फैकल्टी काफी अच्छी थी। अच्छा। पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई कभी। और स्टडी मटेरियल कहां से आप यूज करते थे? स्टडी मटेरियल उन्हीं का ही था, तो बहुत अच्छा था। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो ओपन से बीसीए करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि कर सकते हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो और ऑनलाइन सोर्सेज भी आप चेक करते होंगे राइट? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी। तो किन ऑनलाइन सोर्सेज को आप रेफर करते थे यूट्यूब के अलावा? यूट्यूब पे ही सबसे ज़्यादा था, हमेशा से यूट्यूब पे मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे हमेशा यूट्यूब पे ही मिले, कुछ पीडीएफ मिल जाती थी जिनके आंसर्स बहुत ईजी हो जाते थे, बाकी क्लासेस के थ्रू मुझे मेरे नोट्स काफ़ी बेटर हो गए थे। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ये होते हैं कि यार हम अगर ओपन से बीसीए कर रहे हैं तो थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान होता है, प्रैक्टिकल जो हैंड्स ऑन होता है उसके लिए शायद ओपन वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल आती है। हाँ, तो बिल्कुल। वो आपने कैसे प्रैक्टिस किया? मेरे लिए मेरी फैकल्टी बहुत सही थी, तो मुझे प्रैक्टिस के लिए काफ़ी वक्त मिल जाता था, क्योंकि हमेशा टू बी वेरी फ्रैंक इग्नू में सारी फैकल्टी अच्छी नहीं होती, तो सभी में ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छी फैकल्टी मिल जाएगी तो आपकी क्लासेस भी इतनी बेहतर होगी, और कभी कभी क्लासेस नहीं भी होती थी, तो क्लासेस के साथ साथ मैं अलग से भी अपना घर पर आकर काफ़ी प्रैक्टिस करती थी, तभी मैं एग्जाम्स भी क्लियर कर पाई, क्योंकि सिर्फ क्लासेस इनफ नहीं होती इग्नू की। तो निशा आपने मेरे को बताया कि आप जब ओपन से बीसीए कर रहे थे, इग्नू से बीसीए कर रहे थे, 2 साल आपने बीसीए कर दिए, आप अच्छे से पास हो गए, उसके बाद फाइनल ईयर आते आते आपने डिसीजन लिया कि मुझे अब ड्रॉप आउट करना है। तो मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है कि डिग्री कंप्लीट नहीं करनी है और छोड़ देनी है, तो ये डिसीजन क्यों लिया आपने? ये वैसे बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, पेरेंट्स भी एग्री नहीं कर रहे थे कि मैंने सेकेंड ईयर तक कंप्लीट करके लास्ट ईयर में मैं ड्रॉप आउट कर रही हूँ, बट जितना मैं बीसीए के साथ पढ़ाई करते करते जितना मैं कोडिंग्स के डेप्थ में जा रही थी, साथ में एचटीएमएल सीएसएस, तो मैं धीरे धीरे वेब डिजाइनिंग की साइड पर जा रही थी। अच्छा। तो साथ में कोडिंग्स के साथ साथ जब मैं डिजाइनिंग में आती गई तो मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में ज्यादा चला गया। अच्छा। तो मुझे थोड़ा कोडिंग्स में इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया था, तो मुझे डिजाइनिंग में जाते जाते ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो मैं साथ में स्केचिंग भी करती थी, तो मुझे थोड़ा सा ग्राफिक्स डिजाइनिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आया। right. तो उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अब इस तरफ जाना चाहिए, तो मुझे डिजाइनिंग में स्विच करना चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट डिजाइनिंग में ज्यादा चला गया। हाँ, तो मतलब मेरे को लगता है ये एक अच्छा और एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि यार हम सिर्फ कोडिंग ही कर सकते हैं या कोडिंग में ही करियर बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, अगर आप बीसीए करते हैं तो बहुत सारे नॉन कोडिंग के भी ऑप्शंस हैं राइट? जैसे आप थे, आपको स्टार्टिंग में पसंद आया कि यार मुझे बीसीए करना है कोडिंग की वजह से, लेकिन एडवांस चीज़ों में इतना मज़ा नहीं आया राइट? हाँ, मतलब जितना हम डेप्थ में जा रहे थे कोडिंग्स में वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। जितना हम एचटीएमएल सीएसएस करते करते जैसे हम लैंडिंग पेजेस डिजाइन करने लगे, वेब डिजाइन करने लगे, तो मुझे लगा कि डिजाइनिंग पार्ट ज़्यादा ईजी भी था और इंटरेस्टिंग था, कलरफुल चीजें देख रहे हो आप, डिजाइन कर रहे हो, तो वो ज्यादा बेहतर लग रहा था मुझे। ये एक बहुत ही अच्छी चीज है स्टूडेंट्स, होता क्या कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हो राइट,
तो पढ़ाई का मतलब यही होता है कि सब्जेक्ट्स तो आपके पास बहुत सारे होंगे, आप पूरे अपने डिग्री में लगभग 20-25 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। आपको फिगर आउट करना होता है कि कौन सा वो पर्टिकुलर डोमेन है जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है, उसको अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं और फर्दर उसमें एडवांस चीज़ें सीखते हैं तो ये एक राइट पाथ होता है आपको अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। तो मेरे को लगता है निशा ने वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ मुझे अब डिज़ाइनिंग वाली चीज़ पसंद आ रही है, ये मेरे इंटरेस्ट से लाइन हो रही है। तो निशा, बीसीए फाइनल ईयर आपने ड्रॉप कर दिया, डिज़ाइनिंग में आपको इंटरेस्ट आ रहा है कि मुझे डिज़ाइनिंग साइड जाना है, तो अब डिज़ाइनिंग साइड में जाने के लिए आपने क्या सोर्सेज देखे कि अब मुझे अपस्किल अगर करना है डिज़ाइनिंग में तो मुझे नेक्स्ट क्या करना है, तो वो आपने आगे क्या किया? मैंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की डिज़ाइनिंग को लेके, तो मुझे अरेना एनिमेशन के बारे में पता लगा, जो जहाँ पर मैंने ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स ज्वाइन किया, जिसमें मैंने ग्राफिक्स के लिए कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सीखे लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कॉरल ड्रो, इन डिज़ाइन। एंड वेब डिज़ाइनिंग में लाइक मैंने कुछ लैंग्वेजेस सीखी, सी, सी प्लस प्लस, जावा, जेक्वेरी। तो वहाँ से मेरा मैं डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कम्प्लीट कर पाई। तो कितने टाइम का कोर्स है ये? ऑलमोस्ट 1.6 months ऐसे कुछ का था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके जो बीसी की पढ़ाई है उसने भी आपको हेल्प किया होगा, राइट? बिल्कुल हेल्प किया था, क्योंकि मैंने सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस, एचटीएमएल, सीएसएस मैंने ऑलरेडी बीसीए में सीख लिया था, तो मेरे लिए और हेल्प हो गई वेब डिजाइनिंग में वहाँ पर, तो मेरे लिए इजी हुआ। मतलब कहीं ना कहीं अगर आपने ड्रॉप भी किया है, बीसी की पढ़ाई आपके काम आई यहाँ पे भी, राइट? बिल्कुल काम आई मेरे लिए। तो निशा, मैं ये जानना चाहूंगा, फिर आपने इतनी सारी चीजें कर दी, बीसीए भी पढ़ाई कर ली, ड्रॉप आउट भी कर लिया, आपने नई चीजें भी सीख ली ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके, तो फिर जब आप फाइनली जॉब में आए तो पहली प्लेसमेंट आपकी कैसी हुई, वो ब्रेक थ्रू कैसे हुआ? मेरी पहली प्लेसमेंट अरेना एनिमेशन से हुई थी। अच्छा। उन्हीं के प्लेसमेंट्स ड्राइव्स थे, कुछ रेफरल्स थे, तो उन्हीं के थ्रू मेरी पहली प्लेसमेंट्स हुई थी। अच्छा, तो मतलब जो आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन थी, यार मेरी पहली जॉब लगेगी, मेरी सैलरी इतनी होनी चाहिए, तो क्या जो आपकी पहली जॉब थी उसने आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन को मीट किया? ऑलमोस्ट नियर बाय माय एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, पूछ सकता हूँ किस रेंज में है? ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब आज की डेट में जैसे बीसी ग्रेजुएट्स होते हैं तो उनका एंट्री लेवल पैकेज होता है 2.5 से 3 लाख, 3.5 लाख। तो आप क्या कहते हो, अगर हम कुछ ऐसे एक्स्ट्रा कोर्सेज बीसी के पढ़ाई के साथ कर सकते हैं तो ऐसे पैकेजेस पाना, मतलब एवरेज पैकेजेस पाना आसान है? हाँ, बहुत इजी है, मुझे लगता है और इजी हो जाता है आपके। और इजी हो जाता है अगर हम साइड बाई साइड कोर्सेज करते हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो निशा, यहाँ पे मैं आपसे एडवाइस चाहूँगा कि जो आप देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो बीसीए परसू करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ तो हैं जो पहले से कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन कुछ होंगे ऐसे जैसे आपने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आए, जिन्हें शायद कोडिंग ये सब चीज़ें पहले नहीं सुनी है, राइट? वो आ रहे हैं, उनको कितना मुश्किल है बीसीए कोर्स, तो मतलब एडवाइस फॉर एस्पायरिंग बीसीए स्टूडेंट्स आपकी तरफ से क्या रहेगी? मतलब मेरे लिए ये रहेगा कि बीसीए ज्वाइन करना ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको बेसिक से सिखाया जाती है सारी लैंग्वेजेस, तो आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है। अगर कोई आप मतलब आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, आप साइंस स्ट्रीम से नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपके लिए ईजी नहीं होगा, मतलब ईजी होता है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने किया है तो मुझे बेसिक से नॉलेज मिली थी, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहा था, राइट? और आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि यार अगर स्टूडेंट्स बीसीए कर रहे हैं तो क्या सिर्फ बीसीए की डिग्री ही काफ़ी है, या मतलब जैसे आपने कोर्सेज किए, आपने अपने आपको अपस्किल किया है, तो मतलब उसे रिज्यूमे में कितना स्ट्रांग बनता है, कितना आपको जो एम्प्लॉयर है वो आपको हायर कर ले, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन बीसीए की डिग्री ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे तो जब मेरे पास सिर्फ बीसीए की डिग्री थी तो मेरे लिए मतलब डिग्री मतलब जब मैं परसुइंग भी थी तब मेरे लिए इतना ईजी नहीं था जॉब लेना, लेकिन जब मेरे पास प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग ज्वाइन किया, तो आपके पास एक प्लस पॉइंट आ जाता है, आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होती है, तो आपके लिए जॉब लेना और ईजी हो जाता है। मतलब ये आपके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है अगर आप बीसीए के साथ साथ अगर आप ग्राफिक एंड वेब डिज़ाइनिंग या कोई भी आप एक्स्ट्रा स्किल्स लेते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, हमने बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निशा से पूछे और आई होप आपको इन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के जो जवाब हैं उसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम निशा से आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछें, तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, हम निशा से पूछ के आपको रिप्लाई करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें एंड थैंक यू निशा। थैंक यू।